एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ जी, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो मुझे होम टाउन से आए हुए हो गया है ऑलमोस्ट 1 वीक और ब्लॉग काफ़ी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। रीज़न कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो काफ़ी थकान थी और उसके बाद ना मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से। तो एनीवेज, देखिए ये था मेरा लास्ट डे मेरे घर का, तो बस वहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी भी मैं उस जगह को बहुत मिस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी है और वहाँ का इतना अच्छा सा वेदर और रेनी सीजन बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और इनफैक्ट अभी भी वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, मगर जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है। और इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और इतनी तेज़ धूप है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आए थे टेंपल में और हो रहा था इवनिंग का टाइम, यहाँ कबीर भी मस्ती कर रहे हैं और मैं बस छोटा सा ब्लॉग बना रही थी बिकॉज़ ये मेरा लास्ट डे था यहाँ का। तो आप लोग ये टेंपल फिर से देख लीजिए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेंपल है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है और मेरे मम्मी पापा तो इनफैक्ट डेली मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पे आते हैं। और जब तक मैं यहाँ पे रुकी हूँ, मैं भी कोशिश करती थी कि मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग यहाँ आऊँ बिकॉज ना मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। और कहाँ घुसी है? कहाँ है? तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जिस दिन हम लोग यहाँ से आए थे तो उसके एक दिन पहले थी जन्माष्टमी, तो यहाँ पे चल रही है जन्माष्टमी की पूजा। और जो मैंने आपको मंदिर वाला वीडियो दिखाया था तो वहाँ हम लोग भी इसी के लिए गए थे, पूजा के लिए। तो साथ में वहाँ से बहुत सारे फ्लावर्स लेके आए थे और हम लोग ने छोटी छोटी भगवान जी को डेकोरेट करने के लिए मालाएँ बनाई थी, तो बस उन्हीं से डेकोरेट किया था। और इन लोग भगवान को नए कपड़े पहनाए थे, तो देवर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और कबीर यहाँ इंजॉय कर रहा है। तो गाइज़, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने साथ मम्मी पापा को भी लेके आई हूँ बिकॉज़ उनके लिए भी थोड़ा सा रेस्ट एंड चेंज हो जाता है, क्योंकि एक रूटीन में काम करते करते ना इंसान पक जाता है। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी चेंज हो चुका था बिकॉज़ मैं घर घूम के आ गई थी। एंड नाउ कबीर के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोगों को आना ज़रूरी था 1 वीक में, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि लाइक मैं यहाँ 15 डेज़ रुक जाऊँ क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये था लास्ट डे, हम लोगों के जाने का दिन था ये। तो इवनिंग में बस हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वापस जाने की और यहाँ पे देखिए, फाइनली वी आर गोइंग। तो यहाँ पे रास्ते का मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और जाते जाते भी रास्ते में ट्रेन में काफ़ी बारिश हुई है, ट्रेन में नहीं सॉरी बाहर बारिश हुई है, बट ट्रेन से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और उसी दिन से नाइट से बारिश स्टार्ट हुई, तो कंटिन्यू वहाँ पे 3 दिन तक बारिश हुई है। और जब हम लोग यहाँ पे आए हैं ना वापस, तो यहाँ पे बारिश का नामो निशान भी नहीं था। और इनफैक्ट इतनी गर्मी थी ना कि वहाँ से आने का मन, लाइक हम लोग सोच रहे थे क्यों आ गए हम लोग यहाँ पर। तो आना तो था, मजबूरी थी बिकॉज कबीर का एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे और कबीर के कुछ एग्ज़ाम्स हो गए हैं और कुछ अभी भी सेप्टेम्बर में हैं, तो बस इसी वजह से आना पड़ा। तो एनीवेज, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कबीर भी सैड फील कर रहा था और मैं भी, बट हम लोग उतना सैड थे नहीं बिकॉज मम्मी पापा को साथ में लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए स्टेशन पे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेन स्टार्ट हो गई थी और हम वेट कर रहे थे अपने ट्रेन के आने का। तो बस गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग आए थे यहाँ पे लास्ट संडे को और आज है सैटरडे, तो इतना दिन इस वजह से हो गए मुझे ब्लॉग अपलोड करने में बिकॉज़ मैं डेली सोचती थी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकालूं एडिटिंग करूं, बट किसी ना किसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। और हम फाइनली वी आर इन ट्रेन और बारिश होना शुरू हो गई थी और हम लोग
उतने टाइम तक हमारी ट्रेन भी आ गई थी और हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो यहाँ पे बस मैं सामान सेट कर रही थी और आप लोगों को पता होगा कि इतना ज़्यादा क्राउड, लाइक स्टेशन में जब हम होते हैं ना तो हम लोग को बस यही होता है कि जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाएँ और सारा सामान अच्छे से सेट हो जाए, दैन हम लोग सेटल डाउन हो जाएँ। तो यहाँ पे आज दिन भर हम लोग पैकिंग में लगे रहे, तो ट्रेन में बैठते ही मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बस अब मैं सामान सेट करके बस सोने वाली हूँ और कुछ भी नहीं करूँगी। ऐ कबीर शैतान, नहीं अभी लग जाएगी चोट, प्लीज परेशान नहीं करो, स्लीप प्रॉपरली। आपकी एक बार बहुत पहले पापा के लिए कोई मैसेज दो। क्या मैसेज था? पापा को बता दो कुछ, जैसे कि हम आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ। हाँ, नानू नानी को लेके आ रहे हैं। और भी कुछ बताओ। और क्या बता है? अब हम लोग सोने जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। अब स्ट्रीट नाइट को बनाएंगे सन्ना। तो फाइनली अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। तो हमारी ट्रेन आ गई थी अराउंड 4:00 के करीब, लाइक 4:30 4:00 के करीब, इतने ही बजे हम लोग पहुंचे थे। तो बस हम लोग घर जा रहे थे और ये रास्ते में थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बनाया था। और यहाँ पे पहुंचते ही ना मौसम का लाइक ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, लाइक यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा मौसम इतना कूल था और यहाँ पे आते ही गर्मी शुरू हो गई थी। तो बस वही चीज़ मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने गए थे और वहाँ पे मैं भी गई थी साथ में और मम्मी भी गई थी साथ में। तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था और एनीवेज़ ये तो आपने देखा ही होगा मेरा पुराने ब्लॉग्स में भी। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे तो पड़ रही है मस्त वाली गर्मी जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो बस यहाँ से आने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था, लाइक ब्रेकफास्ट करने के बाद 3-4 घंटे सोए थे जम के, बिकॉज़ ट्रेन में तो आप लोगों को पता ही होगा कि नींद पूरी नहीं हो पाती है और नाइट में जब जर्नी करो ना तो बिल्कुल भी नींद नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैं आई थी पापा को लेके एक नियर बाय मार्केट जहाँ मम्मी का चेकअप कराना था और हमें लगाई थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो बस हम लोग ढोकलास खा रहे थे और ढोकला ये बहुत टेस्टी थे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।